सतगुरु, क्या आप एक जीवित गुरु के महत्व को समझा सकते हैं एक गुरु जो जीवित है और जो शरीर छोड़ चुके हैं इन दोनों के बीच असल में क्या अंतर है क्या मुझे वाकई मरे हुए और जिंदा के बीच का अंतर समझाना होगा ये बहुत बड़ा अंतर है, है ना? आप अभी क्या होना चाहेंगे जिंदा या मुर्दा? तो मुझे जीवित होने का गुणगान करने की जरूरत नहीं है जिंदा होना बहुत मायने रखता है है ना? चाहे आप गुरु हो या ना हो जिंदा होना बहुत मायने रखता है है ना? तो यह महत्व हर चीज पर लागू होता है जो लोग अपना शरीर छोड़ चुके हैं वो प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं लेकिन आप उनके साथ काम नहीं कर सकते हो सकता है कि कुछ समय तक वो काम करने के इच्छुक हों या वो कुछ समय तक काम करने में सक्षम हो सकते हैं यानी कि अगर उन्होंने खुद को ऐसे सेट किया हुआ है अगर उनकी खुद पर महारत हो तो हो सकता है कि कुछ ऐसे गुरु हों जो कुछ समय तक काम करेंगे वरना उनकी ऊर्जाएं आपकी साधना के लिए अनुकूल होती हैं पर वो मार्गदर्शक नहीं होते वो एक अच्छा वातावरण है एक अच्छा माहौल है वो अच्छी माटी है आपके विकास के लिए लेकिन फिर भी वो मार्गदर्शक नहीं है यहां बैठे हुए ज्यादातर समय आप ग्रहणशील नहीं होते ज्यादातर समय आप अपना दिमाग ही होते हैं सच है ना जब आप ज्यादातर समय अपना दिमाग होते हैं तो आपको मार्गदर्शन मार्गदर्शन और मार्गदर्शन चाहिए अगर आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं तो मैं तो कहूंगा कि आपको गुरु की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कृपा हर जगह मौजूद है आपको गुरु की जरूरत नहीं है आपको मंदिर की जरूरत नहीं है आपको ध्यान की जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की जरूरत नहीं अगर आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं ऐसा प्राणी दुर्लभ है अभी आप ज्यादातर दिमाग है ग्रहणशीलता के पल इक्का दुक्का ही होंगे है ना जब आप ज्यादातर दिमाग हैं तो जीवित के साथ रहना आपके लिए सबसे अच्छा है मरे हुए के साथ नहीं अगर आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं तो मरे हुए के साथ भी आपका काम चल जाएगा और उसके बिना भी काम चल जाएगा क्योंकि कृपा अस्तित्व की किसी एक जगह तक सीमित नहीं है अस्तित्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कृपा नहीं है हो सकता है कि कुछ स्थान ज्यादा अनुकूल हों, लेकिन अस्तित्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कृपा नहीं है बस इतना हो सकता है कि किसी खास जगह पर यह पर्याप्त तीव्रता से सक्रिय है ताकि आप ग्रहणशील हो जाएं, क्योंकि आपकी ग्रहणशीलता में संवेदनशीलता की अभी थोड़ी कमी है अब आप देखिए आप यहां बैठे हैं और आपको लगता है कि यह बस एक बगीचा है अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप ऐसे बन जाएंगे लेकिन कुछ लोग ध्यानलिंग मंदिर में जाते हैं इधर उधर देखते हैं कुछ नहीं हो रहा बस टप 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 पानी की बूंदे टपक रही हैं कुछ नहीं हो रहा यहां क्या हो रहा है फिर हम उन्हें यहाँ ठंडे पानी में डुबा देते हैं तब वो जाते हैं वहां बैठते हैं और उनको कुछ महसूस होना शुरू होने लगता है कुछ ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें ठंडे पानी में तीन बार डुबकी लगवा दें तो भी कुछ नहीं होता वो वहां बैठकर फिर भी ऊपर नीचे देखते रहते हैं आप उन्हें भैरवी के पास ले जाइए अचानक वो जाग जाते हैं ये सब अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कम है ये यहां भी बट लेकिन ये उतनी तीव्र नहीं है कि आप महसूस कर सकें आप जहां भी हो वो मौजूद है पहले यहां बोर्ड हुआ करते थे पता नहीं कि वो अब भी मौजूद है या नहीं मैंने चेक नहीं किया पहली बार जब मैं यहां आया जब हमने आकर ट्रायंगुलर ब्लॉक बनाया जो एक लौती बिल्डिंग थी दरअसल हमारे पास बस एक झोपड़ी थी और ट्रायंगुलर ब्लॉक में हमने सबसे पहले एक कमरा और एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया फिर मैंने पाया कि लोगों को टॉयलेट प्रॉब्लम थी टॉयलेट प्रॉब्लम जानते हैं आप एक बार की बात है शंकरन पिल्लई ने डॉक्टर के पास जाकर कहा डॉक्टर मुझे सीरियस टॉयलेट प्रॉब्लम है डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है तुम पेशाब नहीं कर पा रहे ये ठीक से नहीं हो रहा नहीं डॉक्टर बिल्कुल ठीक से होता है हर रोज सुबह ठीक छह बजे घड़ी के कांटे के साथ ही हो जाता है तो कब्ज हो गया दिक्कत क्या है नहीं डॉक्टर बिल्कुल ठीक से होता है हर दिन सुबह ठीक सात बजे घड़ी के कांटे के साथ हमेशा समय पर फिर डॉक्टर ने सोचकर कहा फिर तुम्हारी टॉयलेट प्रॉब्लम आखिर है क्या डॉक्टर मैं रोज सुबह आठ बजे उठता हूं <laughs> <laughs> तो लोगों को इस तरह की टॉयलेट प्रॉब्लम्स थी ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रही थी वो हो तो रही थी लेकिन थोड़ी बेतरतीब हो रही थी <laughs> तो मैंने उनसे कहा कि वहां एक बोर्ड लगा दें ईश्वर यहां भी है हर टॉयलेट के अंदर जब आप दरवाजा बंद करके बैठते हैं आपको बोर्ड दिखता है ईश्वर यहां भी है ताकि आप शौच भी थोड़ी पवित्रता के साथ करें शौच भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हो सकती है आखिरकार पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया खुद को स्वच्छ करना ही है यह एक बहुत ही बढ़िया दिन के दौरान यह सबसे अच्छी सफाई है जो आप कर सकते हैं हा? So, तो कृपा वहां भी मौजूद है टॉयलेट में यह किसी तरह से कम नहीं है पर हो सकता है कि आप टॉयलेट में उसे महसूस ना कर पाए क्योंकि आप अपना काम खत्म करके वहां से बाहर निकलना चाहते हैं मंदिर ज्यादा अनुकूल है सिर्फ माहौल में ही नहीं ऊर्जा के स्तर पर भी इसे अनुकूल बनाया गया है ताकि आप उसे महसूस कर सकें अभी हर जगह जीवन ऊर्जा मौजूद है पर आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे आपको एक खास तरह से भोजन को तैयार करके खाना होता है तभी आप इसे अपने अंदर ले पाते हैं एक बकरी आकर घास खाती है और उसे पोषण मिल जाता है आप इस घास को खाकर पोषण प्राप्त नहीं कर सकते आपको अलग तरह की चीज चाहिए देर आर मेनी इंसेक्ट फॉर्म्स ऐसे कई किस्म के कीड़े हैं ऐसे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी 90 प्रतिशत जीवन ऊर्जा धूप और हवा से प्राप्त करते हैं भोजन और पानी से नहीं उनकी सिर्फ 10 प्रतिशत ऊर्जा ही पानी और उनके खाने से आती है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं बिकॉज देर माइक्रो अगर आप माइक्रो हैं तो आप कितना खाएंगे माइक्रो माइक्रो है ना तो आपके अंदर भी अगर आप बहुत ग्रहणशील हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप दिन भर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भोजन की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि आपकी ग्रहणशीलता बेहतर है आप सूरज की रोशनी हवा और पानी को जिस तरह से ग्रहण करते हैं आपकी 60 प्रतिशत जीवन ऊर्जा सूरज की रोशनी हवा और पानी से आसानी से पैदा की जा सकती है बस 40 प्रतिशत ही भोजन से प्राप्त करनी होगी दुनिया में अधिकतर लोग अभी जितना खा रहे हैं उसका बस 25 से 30 प्रतिशत खाना खाकर ही अच्छे से रह सकते हैं अपना वजन बरकरार रख सकते हैं वही वजन कायम रहेगा वजन कम नहीं होगा वो अच्छे से रहेंगे पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ कहीं ज्यादा चुस्त कहीं ज्यादा सक्रिय और कहीं ज्यादा ऊर्जावान वो जितना खाते हैं उसका सिर्फ पच्चीस से तीस खाकर आप आजमा सकते हैं और ऐसा होता है जब आप भाव स्पंदन कार्यक्रम में होते हैं तो आप अपनी सामान्य खुराक का 20 से 25 प्रतिशत भी नहीं खाते क्योंकि हम आपको खाने के लिए समय ही नहीं देते <laughs> और लोग रोज की तुलना में कहीं ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं लोग समयमा के लिए आते हैं अगर वो ध्यानशील हो जाते हैं तो वो मुश्किल से ही कुछ खाते हैं और फिर भी वो बिल्कुल ठीक रहते हैं तो आपकी ग्रहणशीलता को बढ़ाने की जरूरत है अगर आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है जिंदा मरे हुए यहां तक कि वो भी आपकी मदद करेंगे जिनका अस्तित्व ही नहीं है लेकिन जब आप दिमाग से इतने ज्यादा भरे हुए हैं तो आपको जीवित गुरु के साथ होना चाहिए वरना आप खुद को धोखा देते रहेंगे आपको हर तरह के संदेश मिलेंगे उस किस्म के जो आपको पसंद हैं। अगर आपके गुरु आपको स्वर्ग से संदेश भेजते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो इसका विश्वास मत कीजिए आपका दिमाग बोल रहा है yes. Do यह आपका अपना दिमाग है वो ऐसी चीजें नहीं करते स्वर्ग से प्रेम पत्र प्राप्त करना वैसे भी सस्ता है क्योंकि इसमें कागज खर्च नहीं होता पता है पर्यावरण के लिहाज से यह मुद्दा बड़ा संवेदनशील है कागज का मुद्दा तो यह एक बहुत इको फ्रेंडली लव अफेयर है एक बार की बात है एक लड़का कॉलेज गया पहले दिन उसने इधर उधर देखा उसकी बाई और एक खूबसूरत लड़की बैठी थी फिर उसने कागज के एक टुकड़े पर लिखा मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम और उसने वो कागज लड़की को दे दिया उसने लिखा नहीं और उसे वापस कर दिया लड़के ने कागज को देखा और उसमें से नहीं को मिटाकर अपने पीछे बैठी लड़की को दे दिया उसने उसे देखा और लिखा हां और उसे वापस दे दिया इस कहानी की सीख है कागज बचाओ और प्रकृति बचाओ पर्यावरण के लिए अच्छा है आध्यात्मिकता के लिए नहीं तो जब आप इतना ज्यादा दिमाग है, तो आपको लगातार आपको एक और दिमाग की जरूरत है जो आपको दुरुस्त करे अगर आप दिमाग नहीं होते आप पूरी तरह से ग्रहणशील होते तब मरे हुए और बिना अस्तित्व वाले भी सहायक होते एक चट्टान भी सहायक होती कोई भी चीज घास का एक तिनका भी आपका गुरु हो सकता है हा? लेकिन वो तब होगा जब आप दिमाग रहित हो जब आप दिमाग से इतने भरे हुए हैं तब नहीं तब आपको एक खुद से ज्यादा तेज दिमाग चाहिए जो लगातार आपको रास्ते पर लाता रहे